अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मुर्गी हमारी हमें वापस मिल गई है। मैं गया था दुकान पे, वो ब्राउन वाली मुर्गी जो थी हमारे पास, वो मैं दुकान पे गया कबूतर लेने, तो वो वहाँ थी, वहाँ से हमें मिल गई वापस। फिर मैंने उसे कहा कि आपको कौन सा बंदा दे के गया, उसने कोई नहीं बताया। मैंने उसे पैसे दिए और मुर्गी अपने वापस ले आए। माशाल्लाह मुर्गी वापस आ गई है, मुर्गी ने अंडा भी दिया आज, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी हमारी मुर्गी, ये ब्राउन वाली, ये जो घूम गई थी, पूरा 2 हफ्ते गायब रही है, और तीसरे हफ्ते जाके मुझे दुकान पे नजर आई है, तो मैंने कहा पकड़ लेंगे। ये मुर्गा पता नहीं क्यों मारी जा रहा था। इनको खोल देते हैं। ये देखिए हमारी ब्राउन वाली मुर्गी जो घूम हुई थी, माशाल्लाह वापस आ गई है, इसने अंडा भी दिया आज। इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, दाना डालते हैं इनको आज। मैं पानी लेके आता हूँ, पहले पहले दाना डाल दूँ, फिर मैं पानी भी ले आता हूँ। मैं पानी लेके आता हूँ दोस्तों, पानी में ले आए हैं, इसको साफ करते हैं। मैं पानी डाल देते हैं और उसमें दाना डाल देते हैं। दाना डाल दिया, दाने में बस थोड़ा सा पानी डालना है, क्योंकि इनके गले में सूखा दाना होता है ना, फिर इनके गले में फंस जाता है, फिर वो आगे नहीं जाता। अब ब्राउन वाली मुर्गी मुर्गे से डर के भाग गई है, इसमें भी पानी डाल। ये साफ पानी, इसको फुल भर देते हैं और यहाँ से पियो, ये साफ है। लो तो इन्होंने तकरीबन खा लिया है, तो अब हम चलते हैं नीचे, छत की भी सफाई होने वाली है, छत की सफाई संडे को करेंगे। ये मुर्गी है, मिल तो गई है, अब इनको शाम को बंद करेंगे। पहले तोतों के पास चलते हैं, फिर इनको वापसी आके बंद करेंगे। मैंने बंद तो किया है, लेकिन वो मुर्गा मार बहुत रहा था, जब अंधेरा हो जाएगा ना फिर पता नहीं चलता, फिर नहीं मारेगा। चलते हैं नीचे दोस्तों। माशाल्लाह हमारे सारे बच्चे वगैरह ठीक हैं, ये दाना ज़ाया बहुत कर रहे थे, जो बीच में थोड़े सा वो आ जाते थे ना छिलके, वो खाते नहीं थे, छोड़ देते थे। अब मैंने छिलके वाला नीचे डाला, तो इन्होंने सारा खाया। अब इनको दोबारा दाना अब कल ही डालेंगे सुबह, क्योंकि अभी तो बहुत शाम हो गई। इनको पैक करते हैं, और माशाल्लाह कॉकटेल ने भी अंडे दिए हुए हैं हमारे ने। और मैं अपने एक बजी की मैं आपको वो दिखाऊँ, टेल माशाल्लाह कितनी लंबी है, ये देखें, टेल बहुत लंबी है माशाल्लाह। और ये ब्लू वाले हमारे पास सील चूजा भी माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ कर रहा है। बाकी अब इनकी लगा दी है, शायद इन्होंने एक एक अंडा दिया है सबने। और ग्रीन बच्चे माशाल्लाह मैंने आपको दिखा दिए थे, और ये माशाल्लाह रेड है, इस बच्चे भी मारे फुल ओके। ये बड़ा मेल है, वैसे ये थोड़ा सही नहीं था, तो इस वजह से उसको डाल दिया। बाकी 1, 2 और वो 3 ये बच्चे हैं। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ जो मैं हैंड फीड पे पाल रहा था, छोटा सा बच्चा, अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया ही नहीं, मुझे याद भी नहीं रहा, तो मैं वो अंदर पड़ा हुआ मैं ला के दिखाता हूँ आपको। तो ये मैं ले आया हूँ माशाल्लाह, ये देखें, ये छोटा सा था वो, मैंने पहले वीडियो बनाई, शायद आपने देखा भी हो, तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है, फुल खुद से थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं अभी फीड कराता हूँ, पूरे पा रहे हैं इसके माशाल्लाह। तो इसको सही हैंड टाइम करेंगे, ताकि उड़े भी तो हमारे पास वापस आए। और माशाल्लाह ये देख लें आप, इसको मैंने सीरलेक पे पाला है, सीरलेक पे ये बड़ा हुआ है माशाल्लाह। और यहाँ ब्रीडिंग चल रही है माशाल्लाह, सारा ओके है। अभी इसको पैक कर देते हैं, थोड़ी देर हो रहा है अभी, सही धूप गई नहीं, जब धूप चली जाएगी तो इसको पैक भी कर देंगे। और ये देख, बाकी यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा हमारे बर्ड सेविंग चैनल को। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।